ना मैं चाहूं हीरे मोती ना चांदी ना सोना हो बाबा ना चांदी ना सोना बाबा ना चांदी ना सोना मेरे आंगन भेज दे बाबा तुझसा एक सलोना ओ बाबा तुझसा एक सलोना बाबा तुझसा एक सलोना। ये भजन गाते थे बचपन में और मेरे घर सलोना भेजा बाबा ने और जन्माष्टमी के दिन भेजा और घर में हुआ तो आपके आपकी पुकार में वो बचपन होना चाहिए, आपकी पुकार में मैच्योरिटी नहीं होनी चाहिए। व्यापार करने के लिए मैच्योरिटी होनी चाहिए, परिवार चलाने के लिए मैच्योरिटी होनी चाहिए, लेकिन पुकार के अंदर में मैच्योरिटी नहीं होनी चाहिए, पुकार में बचपना होना चाहिए, बचपन होना चाहिए। जिस दिन पुकार में बचपना होगा उस दिन ये उसी तरह पकड़ेगा जैसे माँ उंगली पकड़कर चलाती है। मेरे आंगन भेज दे बाबा तुझसा एक सलोना हो बाबा तुझसा एक सलोना बाबा तुझसा एक सलोना। अरे हमको क्या जोवन उपवन में, हमको क्या जोवन उपवन में फूल रही फुलवारी रे, हमको क्या जोवन उपवन में फूल रही फुलवारी। अब सुनो बाबा के गले में भी यही कलर लगा है और हम जैसे दो पापियों के गले में भी यही कलर लगा है। अब ये फूल रो रहा है और वो हंस नहीं रहा, वो इतरा भी नहीं रहा, वो अपनी किस्मत को इतराना और हंसना घमंड हो गया, वो अपनी किस्मत को सरा रहा है, उसके आंखों में आंसू है बाब के कि आज कृपा हो गई, ठाकुर ने अपने गले से लगा लिया। दिलदार कन्हैया ने मुझको अपनाया है, रस्ते से उठा करके सीने से लगा। मैंने बात क्यों कही, 31 दिसंबर के दिन होटलों में जाने वालों को अभी गले में माला पड़ती है और 31 दिसंबर के दिन कीर्तन में रात बिताने वालों के गले में भी माला पड़ती है, लेकिन कीर्तन वालों के गलों में इसकी पहनाई भी माला पड़ती है प्रेमियों, है ना। कीर्तन करने वाले का, कीर्तन करने वाले की बगिया श्याम स्वयं सजाता है, कीर्तन करने वाले की बगिया श्याम स्वयं सजाता है, कीर्तन करने वाले की किस्मत श्याम स्वयं बनाता है और कीर्तन करने वाले की नैया श्याम स्वयं चलाता है प्रेमी। हमको क्या जोवन उपवन में फूल रही फुलवारी रे, हमको क्या जोवन उपवन में फूल रही फुलवारी रे। हमें क्या मालूम जंगल में मोर नाचा किसने देखा, हम तो तब मानेंगे जब हम खुद देखेंगे। और ये 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर का जो खाटू है इसका जो डायमीटर 1.5 किलोमीटर के अंदर में दुनिया का सब कुछ यहां मिलता है, दुनिया का सब कुछ इस सिर्फ 2 किलोमीटर के दायरे में दुनिया का सब कुछ मिलता है, लेने वाला होना चाहिए। यहां आकर जिसने समर्पण कर दिया उसे यहां से निकलने के बाद बादशाह बना देता है। बस इतना ध्यान रखिए प्रेमियों, इतना ध्यान रखिए कि सर झुका रहना चाहिए, सर उठना नहीं चाहिए, सर झुका रहना चाहिए, कहीं झुकने नहीं देगा। और सर उठ गया, सर उठ गया
तो कभी उठने नहीं देगा। बोल साचे दरबार की। भैया अभी जो मैं महसूस कर रहा हूं दो लाइनों में बताता हूं, जो साक्षात अभी मेरे दिल में ऐसा लग रहा है कि ये है। श्याम धनी का गुलशन में है काम का, लगता है सेवा मंडल में मौजूद है बाबा, कैसा लगता है। मैंने हमेशा कहा है, हमेशा जब कीर्तनों में हम लोग जाते हैं लोगों को बोलते हैं, लोगों को बोलते हैं खाटू जाना, खाटू जाना, लोगों को बोलते हैं खाटू जाना, तो खाटू जाकर सबसे पहला काम क्या करना, ये मिस्टेक नहीं करना प्रेमियों जो आजकल के बच्चे कर रहे हैं। खाटू आना, किसी से मत मिलना, ये कहावत गलत करते हो। बाबा को बदनाम करते हैं लोग कि नया नए वाले को पहले देखता, पुराने वाले को पहले नहीं देखता, पुराने वाले को छोड़ देता। नहीं, पुराने वाले बदले हैं, नए वाले जब आते हैं उनको नहीं मालूम होता कहां जाना, वो डायरेक्ट खाटू दरबार में जाते हैं। अपने 25 साल पहले निकाल कर देख लेना, जिस दिन आप पहली बार खाटू आए थे आपको नहीं पता था कुछ भी, आप सीधा मंदिर गए थे और सीधा बाबा से मिले थे। बाबा के लिए आप नए थे, बाबा ने देखा ये किसी से नहीं मिला, इसकी पहली प्रायोरिटी मैं हूं, और सीधे बाबा ने गले लगा लिया। दो चार महीने आपको बाबा ने बुलाया, या साल में हर बार एक बार बुलाए, दो चार साल बाद में आपकी पहचान बन गई, आपको लोग पटका पहनाने लग गए, आपको लोग माला पहनाने लग गए, क्योंकि आपकी किस्मत को बाबा ने बदल दिया। आप बदल गए, हम बदल गए। अब हम जब मार्केट में निकलते थे तो मंदिर जाने से पहले ये मिलता था इससे मिल लिए, ये मिलता था इससे मिल लिए, ये मिलता था इससे मिल लिए। बाबा बेचारा बैठकर सोचता था आज मैं इसकी पहली प्रायोरिटी में नहीं हूँ, आज इसके अपने रिश्तेदार हो गए हैं, ये सबसे मिल लेगा उसके बाद मैं मिलूंगा। खाटू आकर जो भी सुनो प्रेमियों, खाटू आकर धर्मशाला में जाना, नहा धोकर सीधे मंदिर में जाना, बाबा पहली बार जैसे देखता है 100वीं बार भी वैसे देखेगा, 1000वीं बार भी वैसे देखेगा। और आपको बता दूं, मैं हर कीर्तन में मैंने बोला कि दिन में आओ खाटू का दुआ के बाबा के दर्शन करो, और उसके बाद में किसी भी धर्मशाला के अंदर में कीर्तन होता रहे वहां बैठ जाना। फर्क सिर्फ कीर्तन का है, कीर्तन करने का मतलब है आप कीर्तन करना, आप एक रात ग्यारस की यहां पर बैठकर कीर्तन करके चले जाओ, 29 दिन की गारंटी बाबा देगा। गारंटी बहुत लोग देते हैं, गारंटी मोदी जी ने भी दी और लगे हैं वो, और गारंटी पप्पू भी देता है, और ये गारंटी हम दोनों भाई भी दे रहे हैं आप लोगों को, हम दोनों भाई भी गारंटी देते हैं। एक रात ग्यारस की कुर्बान करो, बाबा के चरणों में बैठकर गुणगान करो, और उसके बाद 29 दिन ये आपका गुणगान करके जाएगा। बोल साचे दरबार की। मैं क्षमा चाहता हूं, राज मेरे से उम्र में जरूर छोटा है लेकिन कृपा में कहीं कोई कमी नहीं है, कृपा खूब कृपा है, और ये कृपा बरसती रहे आप पर, आप सब इसी तरह गुणगान करते रहे। जय श्री राम। एक चीज आपके लिए बोलना चाहता हूँ, संजय भैया, रामोतर ताऊ जी, ये हमारे परिवार के बड़ों में आते हैं। माना कि चुपचाप कोने में खड़े रहते हैं, माना कि चुपचाप कोने में खड़े रहते हैं, मगर जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, और न जाने कितने ताज इनके कदमों में पड़े रहते हैं, जो लोग बड़े हैं वो हमेशा बड़े रहते हैं। हम कभी मुकाबला कर नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। जय 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 श्री श्याम। बस अब कीर्तन का आनंद लीजिए। जय श्री श्याम। नहीं, एक जयकार तो ऐसे लगाओ, एक जयकार तो ऐसे लगाओ कि बाबा के मंदिर की कुंडी खड़के हारे के सहारे की, हारे की। बहुत बहुत धन्यवाद। खाटू वाले की जय, हिले वाले की जय, खाटू वाले की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। संजय मैं खास बात बता दूंगा, अभी बम्बई में कीर्तन में था संजय, 2.5 घंटा लगातार गाया, एकदम पैकअप कर लिया। मैंने कहा संजय एक भजन सुनना तुम्हारी मेरी बात के जाने का, कोई विश्वास करोगे
कलाकार वो होता है जो टाइम देखता है, और जो बाबा का परमिट कल टाइम नहीं देखता, उसने डेढ़ घंटा उसके बाद गाया। मैं चाहता हूँ दो लाइन बस सुना दो तुम्हारी मेरी बात के जाने नहीं कोई माहौल। देखो सुनो, भजन अगर एक आदमी के गाने से 10 आदमी का भला हो ना, वो भला चाहते हो ना। ये भजन संजय से सुनना, शायद ये है। माइनर मेजर क्या है? मेजर माइनर माइनर ए माइनर। दरारा दारा दा 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 दार दा दा तुम्हारी मेरी बा के जाने गो कोई, तुम्हारी के जाने गो कोई। देखो रामदार भैया गाऊंगा भी तब है ना, करनी है बाबा से बात करनी है। प्रैक्टिकली बता रहा हूं, हो जाएगी। जो मोबाइल लेकर कर रहे हैं उनकी नहीं होगी, जो मोबाइल में वीडियो बना रहे हैं उनकी नहीं होगी, क्योंकि वो तो वहां पर व्यस्त है। लेकिन जो डायरेक्ट बात करना चाहेंगे और अगर गाएंगे तो उनकी बात हो जाएगी। तुम्हारी मेरी बात के जाने गो कोई, गा बेटा गा। तुम्हारी मेरी बात के जाने गो कोई, है कितनी दफाई है कितनी दफाई ये पल का भिगोई। तुम्हारी मेरी बात के जाने को कोई, तुम्हारी मेरी बात के जाने को कोई, है कितनी दफाई है कितनी दफाई ये पल का भी बोई। तुम्हारी मेरी बात, तालियां बननी चाहिए, तालियां बननी चाहिए। सेवा मंडल वाली तालियां बजाओ। जितना भी तेरी याद का आंसू मेरे खातिर दीवाली, जितना भी तेरी याद का आंसू मेरे खातिर दीवाली। मैं इकवन का फूल हूँ माधव, तू ही है उसका माली। मैं इकवन का फूल हूँ माधव, तू ही है उसका माली। कला दया से तुम्हारी ये फूला फला है, हो दया से तुम्हारी ये फूला फला है। कलाकार की ये निराली कला है, हो कलाकार की ये निराली कला है। मैं गुणगान गाऊं उतने ही कम है, मेरी कुछ न हस्ती तुम्हें ही शर्म है, मेरी कुछ न हस्ती तुम्हें ही शर्म है। कितनी रात तेरी यादा करता, कितनी रात तेरी यादा करता, ये आँखें ना सोई। तुम्हारी मेरी बात के जाने वो कोई, तुम्हारी मेरी बात के जाने गो कोई, है कितनी दफाई है कितनी दफाई ये पल का भिगोई। तुम्हारी मेरी बात, और सुनिए
तेरी मेरी प्रीत के माही तीजो कोई पंच नहीं, तेरी मेरी प्रीत के माही तीजो कोई पंच नहीं। कोई रिश्तेदारी नहीं चलेगी इसकी और आपकी प्रीत के बीच में, नो मीडिएटर। तेरी मेरी प्रीत के माही तीजो कोई पंच नहीं, तेरी मेरी प्रीत के माही तीजो कोई पंच नहीं। तेरी पूजा अर्चन का है मन मंदिर सा मंच नहीं, तेरी पूजा अर्चन का है मन मंदिर सा मंच नहीं। तेरा नाम लेकर जिए जा रहा हूँ, तेरा नाम लेकर जिए जा रहा हूँ। मैं ये लाइन आप लोगों के मुंह से सुनना चाहता हूँ, कौन कौन इनका नाम लेकर जीता है? कोई माइक में नहीं बोलेगा, पूरी ताकत लगाकर बोलेंगे। ये बेजोड़ हाला पिए जा रहा हूँ, बेजोड़ हाला पिए। मेरी जिंदगी तेरी बाकी अदा है, ये शिव तो दीवाना तुम्हें बेफिदा है, ओ ये शिव तो दीवाना तुम्हें बेफिदा है। शिव तो दीवाना तुम्हें बेफिदा है, ये शिव तो दीवाना तुम्हें बेफिदा है। श्याम बहादुर उड़ता हंसा, श्याम बहादुर उड़ता हंसा, देख जगत क्यों रोई तुम्हारी मेरी बात के जाने गो कोई, तुम्हारी मेरी बात। देखो भजन खत्म हो गया, सारे सेवा मंडल पूरा गाएगा, कोई माइक में नहीं बोलेंगे हम लोग। पूरे पूरे हाथ उठा लो, जिनके पास पूरे पूरे हाथ है पूरे उठाना और जोरदार आवाज में बोलना। तुम्हारी बोलो, तुम्हारी मेरी बात के जाने गो कोई, है कितनी दफाई है कितनी दफाई, ये पल का भी कोई तुम्हारी मेरी बात के जाने को कोई, तुम्हारी मेरी बात। श्याम प्यारे की। राज को थैंक्स है, आपने समय दिया एक भजन का अपने समय में से, बहुत बहुत थैंक यू। जय श्री श्याम। भैया भैया भैया, मैं श्री श्याम जी मित्र मंडल हमारा परिवार, लेकिन मेरे साथ न जाने कितने श्याम प्रेमियों को वो रात याद है जब भैया ने अपना समय हटाकर मुझे माइक दिया था और कहा था कि ये नहीं गाएगा तो मैं भी नहीं गाऊंगा। तो भैया एहसान तो आपका है हम बच्चों पर कि आपने हमें इतना कुछ सिखाया। एक जोरदार जयकार से अभिवादन करें, बोलो श्याम प्यारे की।